तो गाइज हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ टाइपोग्राफी और टाइप्स ऑफ फॉन्ट को जान लिया था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि टाइपफेस और फॉन्ट में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहे होते हैं सब जगह, बट डिफरेंस जानना जरूरी होता है। तो टाइपफेस को आप फैमिली समझ लो, फॉन्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो मैं एरियल का एग्जांपल ले रहा हूँ, एरियल को आप फैमिली समझो। अब फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं, तो एरियल फैब्रिक के अंदर डिफरेंट साइज और वेट के कैरेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल एरियल के अंदर एरियल का बोल्ड, इटैलिक, ऑब्लिक, थिन, रेगुलर, ये सब मेंबर्स होंगे। तो डिफरेंट साइज और वेट के कैरेक्टर होंगे एरियल के अंदर, दैट इज नोन एज फॉन्ट। ऑन द अदर हैंड एरियल इज टाइपफेस। तो टाइपफेस और फॉन्ट में डिफरेंस इतना ही है, बाकी आप दोनों को एक तरह यूज कर सकते हो। नाउ ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग इज स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स। कोई भी कैरेक्टर लिखा है तो उसके बीच में कितने स्पेस है, दैट इज ट्रैकिंग। फॉर एग्जांपल सपोज मुझे एक टेम्पलेट बनाना है ताजमहल का, और उसमें मुझे एक हेडिंग और दूसरा सब हेडिंग यूज करना है। तो हेडिंग जो मिला है मुझे वो है ताजमहल एंड सब हेडिंग सोल ऑफ इंडिया। तो मैं एक हेडिंग लिखा ताजमहल बड़े फॉन्ट में, और उससे छोटे फॉन्ट में मैं सोल ऑफ इंडिया लिखा। ऊपर जो हेडिंग है, हेडिंग से मेरा सब हेडिंग बहुत छोटा दिख रहा है, तो यह मैं क्या करूंगा कि थोड़ी सी ट्रैकिंग में बढ़ा दूंगा सब हेडिंग का। अब जो सब हेडिंग का जो विड्थ है ताजमहल के विड्थ के लगभग बराबर हो गया। तो अब दोनों में थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी लग रहा है। और भी कई तरीके से आप यूज कर सकते हो ट्रैकिंग को। जब मैं डिजाइन बना के दिखाऊंगा तो आप वहाँ ट्रैकिंग का यूज समझोगे सही तरीके से। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल। अब लीडिंग जो है स्पेस बिटवीन दी लाइन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन लाइन है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में थर्ड लाइन से कम लीडिंग यूज किया गया है, और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में थोड़ा ज्यादा लीडिंग यूज किया है। आप लीडिंग का भी यूज डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे दो टेम्पलेट क्रिएट करना है, और एक में ताजमहल के बारे में बताना है और दूसरे में महात्मा गांधी के बारे में बताना है। फर्स्ट टेम्पलेट जो कि ताजमहल का है, उसमें मुझे लिमिटेड डिस्क्रिप्शन मिला है ताजमहल का, और महात्मा गांधी का जो मुझे डिस्क्रिप्शन मिला है टेक्स्ट का वो थोड़ा ताजमहल से ज़्यादा है, और मुझे दोनों को एक ही पेज में दिखाना है। मीन्स एक पेज में ताजमहल का दिखाना और एक पेज में महात्मा गांधी का दिखाना। तो मैं क्या करूँगा कि ताजमहल वाले टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी लीडिंग को बढ़ा दूंगा, और महात्मा गांधी वाले डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी लीडिंग को कम कर दूंगा। आप ऐसा मत करना कि ओवर यूज कर ली हो लीडिंग, तब तो बहुत बुरा दिखेगा। एक लिमिटेड वे में करना है। एक मैं क्विक टिप दे दूं, अगर आप डार्कर टाइप फेस यूज कर रहे हो तो लीडिंग थोड़ा बढ़ा दो, और अगर आप लाइटर टाइप फेस यूज कर रहे हो तो आप थोड़ा लीडिंग को घटा दो। नाउ कर्निंग। किसी दो या उससे ज्यादा कैरेक्टर के बीच का स्पेस कर्निंग होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले टाइप में पी और ई के बीच में कर्निंग बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है, और सेकेंड वाले टाइप में परफेक्ट कर्निंग है, और थर्ड वाले टाइप में पी और ई के बीच में लेस कर्निंग है। तो आपको कर्निंग को डिफॉल्ट पे ही रखना है। अगर कुछ आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो कर्निंग का यूज करके तो ट्राई जरूर करना। ओके एंड मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आप कभी भी किसी टेक्स्ट को स्केल करते हो तो आप हमेशा ट्राई करो कि प्रोपोर्शन में स्केल करें। आप किसी भी तरीके से किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रेच मत करो या उसके हाइट में चेंज मत लाओ। जब भी आप स्केल करो तो यूनिफॉर्मली स्केल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को जानेंगे, और प्रैक्टिकल इन सारे टर्म्स को यूज करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।